जो गलियों में बिके वो बदनाम, और ये कुल्फी क्योंकि गलियों में बिका करती थी इसका नाम था बदनाम कुल्फी। तो बदनाम तो है जी, लेकिन स्वाद इसका बहुत जबरदस्त, और हम ये कुल्फी खा रहे हैं 13 साल के बाद। और ये कहानी शुरू होती है श्री राम अवतार पांडे जी से, और उनकी कहानी आपको बताएंगे हमारे हिस्टोरिक विशेषज्ञ श्री मयूर शर्मा जी। थैंक यू। देखिए जी, आप लोग इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं जाके MBA करो, लाखों रुपए खर्चो, और फिर अगर लगेगी कि कैसे मार्केटिंग करनी होती है, लेकिन जो राम अवतार पांडे जी थे ना, वो पैदाइशी मार्केटर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक तो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन उसकी मार्केटिंग जो है ना उसको कैसे करूँ। तो उन्होंने ये सारे जो है ना लाइनें निकाली मार्केटिंग की, जैसे ये ठग्गू के लड्डू की इनकी लाइन होती थी। और ये देखिए दोनों ठग्गू के लड्डू हैं, ये है जो उनका स्पेशल लड्डू है और ये है जो उनका काजू का लड्डू है। उन्होंने क्या कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, क्योंकि वो गांधी जी के भक्त थे और गांधी जी कहते थे कि चीनी जो है ना वो आपकी हेल्थ को ठग लेती है। तो उन्होंने कहा लड्डू बना के तो हम बेचेंगे, लेकिन लोगों को हम बता के बेचेंगे कि देखो जी इसमें चीनी है और हम आपको ठगने लगे हैं। तो ये तो सिर्फ उनकी एक लाइन थी, बहुत और अच्छी लाइनें थी उनकी, बहुत अच्छी लाइन थी। इन्हीं के देखा देखी हमने भी अपनी लाइन बनाई है एक। वाह, ऐसा कोई पराया नहीं जिसका खाना मुफ्त में हमने खाया नहीं। तो ये हमारी लाइन है, क्योंकि हम भी मार्केटिंग के गुरु रह चुके हैं। कभी कभार हमने 4 रुपए किलो चने 12 रुपए किलो में बेचे थे एक बारी, याद है आपको, वो लोहे वाले चबाते थे जो। हाँ, यही बात है। तो 13-14 साल में राम अवतार पांडे जी तो गुजर चुके हैं, करीब 10 साल पहले हम उनसे मिले थे 2008 में। हमारा सौभाग्य था उनसे मिलने का, और जब उनके साथ बैठ के यहाँ पे उनकी कहानियाँ सुनी तो एक तो हंसी बहुत आई, आधे घंटे तक हम सब हंसते रहे, क्योंकि उनकी कहानियाँ एक से एक जबरदस्त। उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था, और एक इतना पॉइंटेड उनका पॉलिटिकल सटायर इतना खतरनाक था, क्योंकि वो गांधीयन थे टू द कोर। तो वो समझते थे राजनीति, समझते थे राजनीति करने वालों को, समझते थे दुनिया को, समझते थे। लेकिन वो ये कहते थे कि अगर अंग्रेजी लोग अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो वो तो आम है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इज्जत से ईमानदारी से ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान में कानपुर में बैठे बैठे कोई फुली ईमानदारी से काम करे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये राम अवतार पांडे जी के सिखाए हुए तरीके हैं, जिसको फॉलो कर करके आज ठग्गू के लड्डू की 7 ब्रांचेस हैं कानपुर के अंदर। तो ये बहुत ही एक बड़ी अकम्पलिशमेंट है। उनके बेटे अब चलाते हैं, उनके पोते अब चलाते हैं, और भगवान करे कि ये टेस्ट सेम रहे। वैसे टेस्ट कैसा है, बदला है कि नहीं? अच्छे खाने का यही मार्क होता है कि आप आज खाएं, 5 साल बाद खाएं, 20 साल बाद खाएं, टेस्ट उसका बिल्कुल कंसिस्टेंट है। और 13 साल पहले जो ये टेस्ट था अभी भी वो है। लेकिन अभी हमने मार्केटिंग की बात की है, तो मार्केटिंग की भी बात करते हैं। ये जो फैमिली है ये इतनी सक्सेसफुल अभी भी है क्योंकि ये अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। तो इन्होंने, इनको किसी ने आगे बोला कि आप गुड़गांव में लगाओ स्टोर, तो उन्होंने गुड़गांव में स्टोर लगाया, वहाँ चला नहीं। उन्होंने बोला वहाँ छोड़ के अपने एरिया में जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है वहाँ काम करेंगे। फिर उन्होंने थोड़े नए प्रोडक्ट ट्राई किए, वो भी नहीं चले। तो अब ये अपनी कोर स्ट्रेंथ पे आ गए कि ये 3 चीज़ें बनाते हैं और कुल्फी बनाते हैं, और दुनिया में सबसे अच्छी जो है यही बनाते हैं। तो ये है इनकी सक्सेस का सीक्रेट। तो जहाँ तक बदनाम कुल्फी का सवाल है, कुल्फी का फ्लेवर थोड़ा सा रबड़ी, थोड़ा सा जो आजकल कमर्शियल कुल्फीज मिलती हैं वो, थोड़ा सा कस्टर्ड जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, कुछ उंगली रखी नहीं जा रही कि क्या है, लेकिन सरल फ्लेवर है, सिंपल फ्लेवर है। पिस्ते का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आ रहा है, पिस्ताशियों का, और है बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन कुल्फी, पर इसकी टेक्सचर जो है भारी है। 100 ग्राम के हिसाब से बेची जाती है, तो एक चम्मच से निकाली जाती है, थोड़ी सी हटा के आपको 100 ग्राम दी जाती है। तरीका पुराना, फ्लेवर पुराना, लोग पुराने, जो इनकी सेंसिबिलिटीज़ हैं वो पुरानी, और लड्डू एकदम ताज़े, क्या बात है। और कुछ कहना चाहेंगे जनाब? आप थोड़ा फ्लो में लग रहे थे मेरे को। कानपुर आइए, ठग्गू के लड्डू कोई भी जो 7 लोकेलिटीज हैं वहाँ पे जाइए, लड्डू और पेड़े का स्वाद लीजिए। आधा 1 किलो अपनी फैमिली के लिए पैक कीजिए, दोस्तों के लिए पैक कीजिए, आपको थैंक यू बोलेंगे। और फिर उनको बता देना कि हमने आपको बताया था इसके बारे में, तो वो हमको भी थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू।